और कल होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। जी हाँ, कल से शुरू होने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। उससे पहले दोनों ही कप्तान पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि किस बिल्कुल तरह से जी अपनी हाँ टीम को विनिंग मोमेंट की तरफ बढ़ाया जाए और किस तरह से पांचों दिन डोमिनेट किया जाए, ताकि बिल्कुल एट द एंड पांचवें दिन उनमें से कोई एक टीम एक कप उठा सके, जो कि पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कप होगा। उससे पहले लेकिन ये देखना जरूरी है कि आखिर इन दोनों कप्तान की अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो, चाहे वो ओवरऑल कैप्टनसी की बात हो, चाहे वो उनके बल्ले से निकले हुए रन हो एज अ बिल्कुल कैप्टन। बिल्कुल ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने किन किन स्टेज पे एज अ कैप्टन अपनी बैटिंग से और फिर जरूरत पड़ी तो फिर एज अ कैप्टनशिप स्किल से अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि कप्तानी कहीं ना कहीं दोनों ही टीम प्लेयर्स की लाजवाब रही बिल्कुल है, जी इसी हाँ वजह से ये दोनों टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल जी रही है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं विराट कोहली वर्सेस विलियमसन। जी हाँ, ये एक कंपैरिजन है एज अ कैप्टन। सबसे पहले जान लेते हैं कि दोनों ही प्लेयर्स ने अब तक कितने मैचों में कप्तानी करी है और कितने में उन्हें जीत और हार का सामना करना पड़ा है, पहले ये वाला डिटेल जान लेते। बिल्कुल देखिए, विराट कोहली की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने 60 मैचों में, जी हाँ, कप्तानी की है अब तक। उसमें से भारत ने 36 मैच जीते हैं और 14 गंवाए हैं मैच और 10 ड्रॉ हुए। तो विनिंग परसेंटेज 60 का है, 60% विराट कोहली का विनिंग परसेंटेज है एज अ कैप्टन। शानदार, जी बेहतरीन हाँ है। विलियमसन की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने 36 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 21 में न्यूजीलैंड टीम को जीत मिली है और 8 में हार, 60 ड्रॉ। उसके साथ 58% केन विलियमसन की एज अ कैप्टन, ये कैप्टनसी विनिंग रिकॉर्ड है। जी हाँ तो आप देख सकते हैं कि 60% और 58% बिल्कुल बहुत ही क्लोज है, क्लोज सिर्फ है जी 2% हाँ, का फर्क है, लेकिन फिर भी फर्क है। तो कहीं बिल्कुल ना जी कहीं हाँ, अगर कैप्टनसी विंस की बात करें, क्योंकि विराट के मैचेस भी काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि विलियमसन, क्योंकि टेस्ट नहीं मैच में 20-25 मैच भी अच्छे खासे जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसमें बिल्कुल डबल जी इनिंग्स हाँ होती है, तो जरूर आपको 5 दिन तक अपनी कप्तानी से लोहा मनवाना होता है। जहां तक बिल्कुल बात है दोनों की कंपैरिजन के बारे में, तो विराट थोड़ा सा एज जरूर कर रहे हैं बिल्कुल विलियमसन से, लेकिन विलियमसन भी कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे नहीं है। विलियमसन ने भी जबरदस्त अब तक अपनी अपनी टीम के लिए, न्यूजीलैंड टीम के लिए किया है, इसी वजह से वो आज इस फाइनल को खेलने के पूरी तरह से दावेदार जरूर हैं। ये तो बिल्कुल बात हो गई दोनों की कप्तानी के स्टेट्स के बारे में। अगर आपसे जितनी से जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से स्टेट्स तो अलग अलग ही बयान करते हैं, लेकिन स्टेट्स कभी कभी क्या होता है परफॉर्मेंस को ढाक देते हैं। जी हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स यंग ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे डेमोन कॉनवे को ले लीजिए आप, अभी अभी आए हैं, उन्होंने 2 मैचों में क्या जबरदस्त बिल्कुल छाप छोड़ नहीं दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कोई और बड़े जो टॉप टॉप ओपनर्स थे उनसे आगे हो गए, ऐसा नहीं है। एक दो बिल्कुल इनिंग्स नहीं ये जज किया जाता, तो इसलिए स्टेट से जज नहीं कर सकते आप। कभी कभी स्टेट्स भी धोखा दे देते हैं हमें एक प्लेयर की परफॉर्मेंस के सामने। आपके हिसाब से, आपने जितना अभी तक देखा है, मैं सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करूंगा, उससे पहले की कप्तानी की नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किस कप्तान को आप एज देंगे और क्यों, बताएं। बिल्कुल देखिए, अगर कप्तानी की बात करें तो यहाँ पे मैं विराट कोहली को एज दूंगा, जी बिल्कुल हाँ दूंगा, क्योंकि विराट कोहली ने अवे में ज्यादा कप्तानी की है और केन विलियमसन ने कम की है। अगर केन विलियमसन की बात करें, 11 मैचों में 3 जीते हैं, 6 हारे हैं और 2 ड्रॉ हुए हैं, तो कितना कम उनका अवे अवे में जो कप्तानी है वो बहुत ही कम है, और अवे में खेलते भी नहीं है ज्यादा। इस टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में भी हमने न्यूजीलैंड टीम को देखा है। जी हाँ लेकिन इंडियन टीम की बात करें और विराट कोहली की खासकर बात करें, यहाँ कप्तानी की बात हो रही है, 30 टेस्ट मैच विराट ने बाहर कप्तानी की है, 13 जीते हैं, 12 हारे हैं और 5 ड्रॉ हुए हैं, तो ये जबरदस्त अगर बात करें कप्तानी में तो ये रिकॉर्ड है विराट कोहली का, केन विलियमसन से कहीं गुना आगे। जी हाँ, यहाँ पे बात कंपैरिजन केन विलियमसन से हो रहा है, तो केन विलियमसन से कहीं जरूर ना जी कहीं हाँ विराट बिल्कुल कोहली इस बिल्कुल वक्त बेहतर कप्तान नजर आ रहे हैं, कम से कम अवे में तो बिल्कुल, क्योंकि कम मैचेस में भी जी विलियमसन ने हाँ, काफी कम मैचेस जीते हैं, ऑलरेडी 11 मैचों में और कप्तानी छह करी है हारे हैं, और सिर्फ 3 में 3 जीत मिली है, जीते तो कहीं हैं ना कहीं बहुत निराशाजनक ये परफॉर्मेंस रही है विलियमसन की अवे बिल्कुल में एज अ कैप्टन। ये आपको सारी डिटेल्स देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये दो प्लेयर एज अ कैप्टन बैट्समैन कैसे हैं, ये आगे बिल्कुल रन इनके बल्ले से कितने अब तक निकले हैं ये भी जान लेते हैं, कि दोनों ही कप्तान ने अब तक अपनी टीम के लिए एज अ कैप्टन कितने रनों का योगदान दिया है। बिल्कुल देखिए, विराट कोहली की बात करें यहाँ तो 5,392 रन विराट कोहली ने मारे हैं 58 के एवरेज से, शानदार एवरेज, और 20 शतक, जी हाँ 20 शतक है उनके एज अ कैप्टन अभी तक, तो ये शानदार रिकॉर्ड है, जी हाँ बेहतरीन रिकॉर्ड है। केन विलियमसन की बात करें तो 3,078 रन केन विलियमसन ने मारे हैं अब तक, 62 का एवरेज, 62 का एवरेज, तो विराट कोहली से भी ज्यादा का एवरेज है, जबरदस्त, ये तो और ज्यादा जबरदस्त है, और 11 शतक, जी हाँ यही इन दोनों का एज अ कैप्टन बैट्समैन कैप्टन इनका ये रिकॉर्ड। जी हाँ, तो एज ए कैप्टन बैट्समैन की जहां तक बात है, तो ये इनके स्टैट्स कहते हैं। बिल्कुल अब यहाँ पे थोड़ी सी इस बात में जरा गौर कर लेते हैं कि दोनों की बैटिंग परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से किस तरह से रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं
पिछले एक साल में, कम से कम एक साल में ले लेते हैं, एक साल के साइकिल में, नहीं एक साल में तो क्रिकेट ही नहीं हुआ, चलिए 2 साल ले लेते हैं, 2 साल के साइकिल में कौन सा बैट्समैन ने आपको ज्यादा इंप्रेस किया और किस पे ज्यादा डिपेंडेबल आपको लग रहा है कि टीम रह सकती है? जैसी बात है, बड़े नाम है, दोनों पे ही डिपेंडेबल रहेंगे, लेकिन किसके ज्यादा चलने के चांसेस आपको लग रहे हैं, विलियमसन या विराट कोहली? देखिए डिपेंडेबल की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले तो विराट कोहली पे टीम ज्यादा डिपेंडेबल है। अगर वो पिच में है, रन नहीं मार रहे हैं, फिर भी टीम कहेगी नहीं यार चलिए विराट है। केन विलियमसन चले गए हैं, कोई बात नहीं, ये न्यूजीलैंड टीम की हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, न्यूजीलैंड टीम की ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जो वीडियो तो जरूर जाके देखिए, ऊपर आई बटन में आ रहा है, जरूर देखिए, बिल्कुल देखिए, फाइनल प्लेलिस्ट सारी है, एक बार जरूर उसको गौर करिए। बिल्कुल यही न्यूजीलैंड का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। विराट की कंधों पर जिम्मेदारी बहुत आ जाती है, फिर भी वो उस जिम्मेदारी पे खड़े उतरते हैं, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। कई सालों से वो कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 10 साल हो गए हैं आज आए हुए, वो यही कर रहे हैं। केन विलियमसन अगर आउट भी हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड को कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा या इतना ज्यादा वो डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका 6ठा 7वां डाउन का बैट्समैन भी 50 रन बना के खेल रहा होगा। बिल्कुल, उसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी अभी न्यूजीलैंड इंग्लैंड सीरीज में देखा है। और जहां तक मेरे हिसाब से भी विराट कोहली ही होंगे, क्योंकि विराट कोहली पे जैसे हमने कहा कि टीम काफी ज्यादा डिपेंडेबल है। कुछ प्लेयर्स नीचे जरूर है इंडिया के जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन ऊपर की जो टॉप 3-4 है वहां पे विराट कोहली का योगदान बहुत ज्यादा हो जाता है कहीं ना कहीं पुजारा के साथ साथ। ये तो बात हो गई दोनों की बैटिंग के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज और जानने की जरूरत है कि केन विलियमसन और विराट कोहली जो है मेरे हिसाब से कम बैटिंग में कहीं ना कहीं दोनों ही बहुत बिल्कुल बराबर के हैं इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में अगर देखा जाए, भले ही एवरेज भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन विराट कोहली अपने बैट फेस से गुजर रहे हैं तो भी सिर्फ 4 से पीछे हैं एवरेज में। 58 का विराट का एवरेज है, 62 का विलियमसन का एवरेज है, तो बैट फेस में गुजर के भी वो अगर इतने से सिर्फ मार्जिन से पीछे है तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विराट कोहली कितने A1 क्लास बैट्समैन है कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर स्मिथ से कंपैरिजन होती तो शायद विराट कोहली पीछे होते, लेकिन विलियमसन से जहां तक बात है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल दोनों बराबर के टक्कर में खड़े हैं यहाँ पे जहां तक बात टेस्ट कैप्टन की एज अ बैट्समैन। ये एक वीडियो था हमारे सामने, जाते जाते आए आप दोनों की कप्तानी और बैटिंग पे कुछ कहना चाहेंगे तो बिल्कुल कहें। देखिए कप्तानी पे तो मैं ये कहूंगा कि विलियमसन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस विराट किसे कहूंगा अगर कुछ सुन रहा होगा, लेकिन सुनना नहीं चाहिए, कप्तान है वो अपनी करे, लेकिन फिर भी ज्यादा बोल्ड डिसीजन लेने से बचना होगा क्योंकि वो इंग्लैंड है, वहां बॉल स्विंग करती है, हर बॉल मूव करती है, बस ये कहेंगे। बाकी तो विराट है, वो जानते हैं हमसे अच्छा है। ज्यादा बोल्ड कप्तानी कहीं हो गई तो हमें ही वो भारी पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे ग्रेट क्रिकेटर कह रहे हैं कपिल सर, उन्होंने कहा है बोल्ड डिसीजन से बचना होगा। अगर ये बोल्ड डिसीजन इंग्लैंड में काम नहीं करता, वहां काम कंपोज काम करता है, सेशन बाय सेशन काम करता है, पुजारा ने भी यही कहा। जी हाँ, तो ये देखने वाली बात है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, हमने कपिल सर की जो बात है वही आपके सामने रखी, बस ये बात है कि कपिल सर की बात से हम पूरी तरह से सहमत जरूर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लगातार क्रिकेट अपडेट और एनालिसिस WTC से रिलेटेड 5 दिन मिलती रहे। हर वीडियो आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे हर तरह के एनालिसिस को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।